नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, विषय हिंदी, कक्षा 3। आज इसमें हम पाठ 4 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है यह और ये। तो बच्चों, पाठ का नाम क्या है? तो कि यह और ये। तो यह का मतलब क्या होता है? यह का मतलब होता है आ। यह यानी कि आ, नजीक ही कोई एक वस्तु, व्यक्ति के प्राणी ने बतावा माटे एक वचन नी अंदर तो कि यह शब्द नो उपयोग थाय छे। तेवी ज रीते ये यानी कि आ, तो के नजीकनी एक थी वधारे वस्तुओ, व्यक्तिओ अने प्राणीओ बतावा माटे बहुवचन में ये एटले के आ शब्दनो उपयोग थाय छे। तो बाळ मित्रों, तमने अहीं आ चित्र में एकवचन अने बहुवचन शब्द आपेला छे, तमारे वाँचवाना छे अने याद राखवाना छे। तो एकवचन और बहुवचन, के हाथी, एक वचन में है हाथी और बहुवचन में हाथी। एक वचन में कबूतर, तो बहुवचन में कबूतर। इसके बाद है सैनिक, तो बहुवचन में सैनिक लिखेंगे। इसके बाद है आम, तो बहुवचन में हम आम लिखेंगे। इसके बाद है फूल, तो बहुवचन में फूल। इसके बाद है नींबू, तो बहुवचन में हम नींबू लिखेंगे। इसके बाद है माला, तो बहुवचन में हम मालाएं लिखेंगे। इसके बाद है कविता, तो बहुवचन में हम कविताएं लिखेंगे। इसके बाद है ऋतु, तो बहुवचन में हम ऋतुएं लिखेंगे। इसके बाद है वस्तु, तो बहुवचन में हम वस्तुएं लिखेंगे। इसके बाद है मछली, तो बहुवचन में हम मछलियां लिखेंगे। इसके बाद है चिड़िया, तो बहुवचन में हम चिड़िया लिखेंगे। इसके बाद है लड़की, तो बहुवचन में हम लड़कियां लिखेंगे। इसके बाद है छतरी, तो बहुवचन में हम छतरियां लिखेंगे। इसके बाद है गाड़ी, तो बहुवचन में हम गाड़ियां लिखेंगे। इसके बाद है बिल्ली, तो बहुवचन में हम बिल्लियां लिखेंगे। इसके बाद है चूहा, एक वचन में चूहा, तो बहुवचन में हम चूहे लिखेंगे। इसके बाद है चूल्हा, तो बहुवचन में हम चूल्हे लिखेंगे। इसके बाद है आँख, बहुवचन में हम आँखें लिखेंगे। इसके बाद है पुस्तक, बहुवचन में हम पुस्तकें लिखेंगे। इसके बाद है जूता, तो बहुवचन में हम जूते लिखेंगे। इसके बाद है केला, तो बहुवचन में हम केले लिखेंगे। इसके बाद है बेटा, तो बहुवचन में हम बेटे लिखेंगे। इसके बाद है तोता, तो बहुवचन में हम तोते लिखेंगे। इसके बाद है पता, तो बहुवचन में हम पते लिखेंगे। इसके बाद है गधा, तो बहुवचन में हम गधे, वह लिखेंगे। इसके बाद कुत्ता, तो बहुवचन में हम कुत्ते लिखेंगे। इसके बाद है लड़का, तो बहुवचन में हम लड़के लिखेंगे। इसके बाद है घोड़ा, तो बहुवचन में हम घोड़े लिखेंगे। इसके बाद है संतरा, बहुवचन में हम संतरे लिखेंगे। इसके बाद है सड़क, तो बहुवचन में हम सड़के लिखेंगे। इसके बाद है किताब, तो बहुवचन में हम किताबें लिखेंगे। तो बाल मित्रों, एक वचन और बहुवचन के शब्द आपने पढ़े। तो अब हम चित्र को देखकर समझेंगे और लिखेंगे। कि यह आम है, तो क्या है? कि यह आम है, तो इसके सामने, तो कि ये आम है, तो कि यहाँ एक से अधिक है, इसलिए ये आम है। दूसरा, यह पुस्तक है, इसके सामने, तो कि ये पुस्तकें हैं, तो कि यह एक वचन है और सामने बहुवचन है, तो कि एक से अधिक है, इसलिए ये पुस्तकें हैं। इसके बाद यह सैनिक है, तो इसके सामने ये सैनिक है, तो यहाँ एक है और सामने एक से अधिक है, इसलिए यहाँ ये लिखा जाता है। इसके बाद यह मछली है, तो इसके सामने ये मछलियाँ है, क्योंकि एक से अधिक है, इसलिए ये मछलियाँ है, ऐसे
लिखा जाता है। अब चित्र को देखकर यह और ये से खाली जगह भरना है। तो चित्र में क्या है? तो कि चूहा है, तो खाली जगह में यह चूहा है, ऐसे आपको लिखना है। दूसरी, तो कि खाली जगह चिड़िया है, तो इसमें यह के ये, तो के ये चिड़िया है। इसके बाद है खाली जगह लड़के है, तो यहाँ एक से अधिक लड़के हैं, तो खाली जगह में ये आएगा। इसके बाद है कबूतर, तो वहाँ एक ही कबूतर है, तो हम खाली जगह में यह लिखेंगे। इसके बाद है खाली जगह पुस्तकें है, तो यहाँ एक से अधिक पुस्तकें है, इसलिए हम खाली जगह में ये लिखेंगे, ये पुस्तकें है। इसके बाद है खाली जगह तोता है, तो यहाँ एक ही तोता है, तो खाली जगह में हम लिखेंगे यह तोता है। तो फिर से भी चित्र को देखकर खाली जगह भरना है। ये खाली जगह है, तो चित्र में क्या है? तो कि आँख है, तो खाली जगह में लिखना है आँखें, ये आँखें हैं। दूसरी, यह खाली जगह है, तो खाली जगह में क्या है? तो कि झूला, तो आपको लिखना है कि यह झूला है। इसके बाद है ये खाली जगह है, तो खाली जगह में सामने चित्र में क्या है? तो कि लड़कियाँ, तो आपको लिखना है ये लड़कियाँ है। वैसे यह खाली जगह है, तो चित्र में क्या है? तो कि हाथी, तो आपको लिखना है यह हाथी है। इसके बाद ये खाली जगह है, तो क्या है? फूल, तो कि ये फूल है। इसके बाद यह खाली जगह है, तो चित्र में क्या है? तो कि आम, तो आपको लिखना है कि यह आम है। तो बच्चों, यहाँ एक वचन शब्द दिए गए हैं, तो आपको सामने बहुवचन शब्द लिखने हैं। तो के एक वचन शब्द है गाड़िया, तो आपको सामने लिखना है गाड़िया, एक वचन है गाड़ी, तो इसके सामने गाड़िया बहुवचन शब्द लिखना है। इसके बाद है एक वचन में नींबू, तो आपको बहुवचन लिखना है तो के नींबू। इसके बाद है चूहा, तो बहुवचन शब्द क्या आएगा? तो के चूहे। वैसे ही आपको यहाँ बहुवचन शब्द दिए गए, तो आपको एक वचन शब्द लिखने हैं, मालाए, तो इसको हम एक वचन शब्द में माला लिखेंगे। इसके बाद है कबूतर, तो इसके सामने एक वचन में हम लिखेंगे कबूतर। इसके बाद है कुत्ते, तो हम एक वचन में लिखेंगे कुत्ता। तो बच्चों, आज आपने एक वचन और बहुवचन शब्द कर पढ़ा। तो आगे हम बाल मित्रों, आज हमने पाठ चार के बारे में जाना, तो अगले वीडियो में हम पाठ पाँच पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।